गुड आफ्टरनून गाइस। और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, तो दोपहर का टाइम मतलब 11-12 के समथिंग है। तो बस यहाँ पर धुल रहे हैं कपड़े और ये चले गए हैं ड्यूटी, और बच्चे जो है कार्टून देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पर खा रही हूँ खाना। तो आजकल क्या है, मम्मी खाना बना रही हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो मेरा थोड़ा आराम का चल रहा है। मैडम ने बोला है थोड़ा आराम करना है मेरे को, तो बस मैं यहाँ पर खाना खा रही हूँ। और खाने में मैं खा रही हूँ थोड़े से, मैंने दही के आलू लिए हैं, और बाकी की मैं तो जो आलू का भरता होता है, जो जिसमें ऑयल नहीं डलता, ऑयल फ्री होता है, मैं बस उसी से खा रही हूँ, क्योंकि मेरा डाइट अभी वही चल रहा है। तो बस मैं ये सिंपल सा जो है खाना खा रही हूँ। और मम्मी आजकल है ना खाना बना रही हैं, और मैं जैसे कपड़े वगैरह धो देती हूँ, मशीन वगैरह लगा देती हूँ। तो जैसे कि दिवाली का टाइम है, तो कुछ ना कुछ तो काम अभी करना ही है, और ऐसा तो है नहीं कि हम लोग बिल्कुल बैठे रहें। तो आराम का है, आराम कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कंटिन्यू काम करती हूँ, कंटिन्यू काम मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। और थैंक यू आप सभी को इसलिए थैंक यू बोल रही हूँ, क्योंकि आप सब लोग मेरी इतनी परवाह करते हो और पूछते हो कि दीदी आप कैसी हो। तो थैंक यू सभी को, और सच में मुझे नहीं मालूम कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो। और यहाँ पर मम्मी मेरे को गरम गरम रोटियाँ खिला रही हैं, तो वो लेकर आती जा रही हैं और मैं बस खाना खा रही हूँ। तो देखो हमारा सास बहू को प्यार कुछ ऐसा है। और बताना आप लोग कि किस किस की सासू माँ किस किस को ऐसे खाना खिलाती हैं। और मैं बेड पर ही बैठ के खाना खाती हूँ, क्योंकि मैं मतलब ज़मीन पर बैठ के नहीं खाती हूँ। और डाइनिंग टेबल जैसे कि मेरे घर में है नहीं, टेबल है भी तो मैं खाती नहीं हूँ, क्योंकि मैं बेड पर ही आराम से खाना खाती हूँ, क्योंकि मेरी रील की हड्डी में प्रॉब्लम है इसलिए। और बस यहाँ पर मैं अपनी मेडिसिन ले रही हूँ, तो इतनी सारी मेडिसिन है, तो मैं अभी दोपहर वाली ले रही हूँ, सुबह वाली ले चुकी हूँ। तो दोपहर वाली ज़्यादा नहीं है, 3 गोलियाँ ही हैं, और जो सुबह है ना तो उसमें ज़्यादा खानी पड़ती है मेरे को, कम से कम एक बार में 6-7 गोलियाँ खानी पड़ती हैं, और उतनी ही मेरे को शाम को खानी पड़ती हैं। बस जो दोपहर में ही मेरे को 3 गोलियाँ लेनी पड़ती हैं, तो बस ऐसा मुँह कड़वा सा मुँह हो जाता है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं एकदम ना लेटूँ, तो इसके लिए मैं सोच रही हूँ कि आज मैं थोड़ी सी गोदरेज का 1 या 2 रैक सफाई कर लेती हूँ। तो बस मैं वही सोच रही हूँ कि मैं इन साड़ियों को थोड़ी धूप दिखा दूँ, क्योंकि कुछ साड़ियों को मैं पहनती हूँ, कुछ को नहीं पहनती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि सारी गोदरेज को तो मुझे क्लीन करना ही है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे गोदरेज साफ़ करने में है ना मेरे को 2 दिन का टाइम तो लगेगा ही, तो मैं एक एक करके कर लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम मैं एकदम से नहीं कर सकती। और एकदम से करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पर मैं कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे आराम भी करना है इस बीच में। तो बस मैं थोड़ा आराम की सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मैं इन साड़ियों को बाहर धूप में डाल दूं, जिससे ये साड़ियाँ क्या है थोड़ी सी मतलब धूप खा लेंगी। तो बोलते हैं कि साड़ियों में बदबू वगैरह नहीं आती, और धूप दिखाना चाहिए, जिससे जो भी फफूंद वगैरह होती है साड़ियों में, जो भी फंगल्स वगैरह लग जाते हैं, तो नहीं लगते। और कुछ साड़ियाँ मेरी जैसे चंदेरी साड़ी हैं, कुछ साड़ियाँ मेरी और अलग कपड़े की हैं, तो उनको क्या है धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको धूप नहीं दिखाते तो वो ऐसी हैं कि आप उसमें चिपक जाती हैं, और उनके स्टोन जहाँ लगे होते हैं वहाँ उनमें हॉल बन जाते हैं। तो उन साड़ियों को मुझे साल में 1 बार नहीं 2 बार धूप दिखानी पड़ती है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि कुछ कुछ ऐसा है। और बस मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर रही हूँ, और मैं इन साड़ियों को सभी को खोल दूँगी, क्योंकि मुझे खोलकर इनको बाहर ले जाना है सबको। तो मैंने सारी साड़ियाँ पलंग पर पटक ली हैं, और मेरे बच्चे क्या करते हैं, जब भी मैं कुछ काम फैलाती हूँ ना, तो वो पक्का आ जाते हैं बीच बीच में, क्योंकि उनको बहुत मज़ा आता है कि मम्मी क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं। और उनका जैसे मैंने अभी आपने देखा गोदरेज में छाता टंगा हुआ है, तो मैं इनकी वजह से छाता नहीं निकालती हूँ, क्योंकि ये लोग क्या है एक दूसरे की आँखें फोड़ने पर लगे रहती हैं, मुझे इन पर बहुत गुस्सा आती है। तो बस मैं इनको डांट रही हूँ, और बस मैं इन साड़ियों को सभी को इस वाले टप में भर के बाहर ले जाऊँगी, और बाहर ले जाके मैं इनको सूखने के लिए डाल दूँगी थोड़ी देर धूप दिखाने के लिए। तो बस मैं इनको ही ओपन कर रही हूँ, और जो किट वगैरह में मेरी साड़ियाँ रखी हुई हैं, तो मैं इनकी किट जो फट गई हैं उनको मैं निकाल दूँगी। बाकी की मेरे पास बहुत सारी किट रखी हुई हैं, तो जो नई हैं मैं उनमें नई में सब साड़ियों को भर के रख दूँगी, और जिससे मुझे आसानी भी होती है, जैसे ब्लाउज़ पेटीकोट वगैरह है ढूंढने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, और जो जगह पर मतलब सही से मुझे साड़ी पेटीकोट ब्लाउज़ तीनों चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये होता है, इस वजह से क्या करती हूँ मैं कि तीनों चीज़ों को एक साथ रख देती हूँ।
तो बस मैं अपनी साड़ियों को सभी को ओपन करती जा रही हूँ, क्योंकि मैंने इन साड़ियों को काफ़ी टाइम से खोला भी नहीं है, क्योंकि ये कहीं जाती नहीं हूँ इतना ज़्यादा, और इतनी साड़ियाँ मैं हैवी डेली मैं पहन के तो घूमूंगी नहीं, डेली में तो मैं हल्की साड़ी भी नहीं पहनती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा रिलैक्स नहीं मिलता है, क्योंकि मुझे तो ज़्यादातर गाउन पहनने की आदत है, तो घर में मैं गाउन ही पहनती हूँ। जिस दिन वीडियो शूट करती हूँ उसी दिन मैं थोड़ा सूट या लोअर टी शर्ट पहन लेती हूँ। तो बस मैं इनको बाहर धूप में डालने के लिए आ गई हूँ। तो ये चंदेरी साड़ी है, तो इसको धूप दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक साड़ी थी मेरे पास चंदेरी, तो वो पूरी मतलब ख़राब हो गई थी। तो इन सभी को है ना धूप दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप लोग नहीं दिखाते हो तो प्लीज़ दिखाया करो, क्योंकि थोड़ा रहता है दिवाली पे एक बार का। पहले मैं भी नहीं जानती थी, लेकिन अभी जानने लगी हूँ, और मम्मी हमारी करवा चौथ के आसपास चली जाएंगी घर के लिए, तो घर पे भी मेरी काफ़ी सारी साड़ियाँ रखी हैं। यहाँ पर इतनी साड़ियाँ हैं, इतनी ही सारी साड़ियाँ मेरी घर पर रखी हुई है। तो मम्मी भी जाएंगी, उन सब साड़ियों को धूप दिखाएंगी, और धूप दिखाने के बाद उनमें जो भी कुनेर की गोली वगैरह आती हैं तो वो भी वो उसमें लगा के रख देती हैं, जिससे क्या होता है कि एक तो उसमें खुशबू आती रहती है, और दूसरा कपड़ों में कीड़े वगैरह जो साड़ियाँ कटती हैं तो वो नहीं कटती इस वजह से। तो बस यहाँ मैं अपनी सभी नई साड़ियों को फैला रही हूँ कि जैसे ये थोड़ी देर धूप खा लेंगी। और यहाँ पर डले हैं बाहर गेहूँ, तो मम्मी ने गेहूँ भी सूखने के लिए डाल दिए हैं, और गेहूँ मम्मी ने इसलिए डाल दिए हैं क्योंकि आटा वाटा शाम को पिसवाएंगी। और बस मैंने हैवी साड़ियाँ डाल दी, मैं इन सिंपल साड़ियों को भी सोच रही हूँ कि मैं इनको भी डाल देती हूँ, क्योंकि मैं इनको भी मतलब कभी कभी थोड़ा बहुत पहन लेती हूँ, और प्रॉपरली मैं कभी नहीं पहनती ज़्यादा साड़ी कि मैं डेली मैं पहनती हूँ। तो बस मैं ये सोच रही हूँ कि इनको भी थोड़ी धूप दिखा लूँ, पहनती हूँ तब भी ठीक है, नहीं है तो कम से कम मन में ये तसल्ली हो जाएगी कि मेरी गोदरेज मैंने पूरी क्लीन करके लगाई है, और फिर मन में ये नहीं लगेगा कि मतलब कोई साड़ी है जो मैंने उसको अच्छे से नहीं सुखाया या कुछ भी। तो एक कहते हैं ना कि मन में तसल्ली हो जाती है, तो बस वो वाली चीज़ है। तो बस मन में तसल्ली ही करना है कि मेरा मतलब एकदम नीट एंड क्लीन हो जाए मेरा गोदरेज भी। तो बस मुझे अपनी थोड़ी सी अलमीरा की टेंशन थी कि वो मेरा बहुत बड़ा काम है, तो मैं इस काम को आराम आराम से करूँगी, हड़बड़ में नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी इस टाइम मुझे अपनी तबीयत का भी ख्याल रखना है, क्योंकि मेरी सकल पे 12 बजे हुए हैं, काफ़ी सारे मुझे डार्क सर्कल्स भी हो रखे हैं, और डार्क सर्कल्स मुझे पहले से भी थे लेकिन अभी और ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि प्रॉपर नींद भी नहीं ले पाई हूँ, और मैं घर में काम में ऐसे ही लगी रही थी, मैंने दिन में रेस्ट भी नहीं कर पाई थी। तो बस मैं ये सारी साड़ियों को यहाँ फैला देती हूँ, और इधर भी डाल दी हैं मैंने, उधर हैवी साड़ियाँ डाल दी हैं, इधर मैंने सिंपल साड़ियाँ डाल दी हैं, तो दोनों तरफ मैंने साड़ियों को फैला दिया है। और यहाँ थोड़ा देखना पड़ता है, मम्मी बाहर बैठी हैं क्योंकि ये गाय वगैरह निकलती हैं, तो लगता है कि कहीं साड़ियों को उलझा नहीं ले जाएं वो। तो बस कुछ साड़ियाँ अभी और रखी हुई हैं एक बैग में, तो वो बैग डबल बेड में रखा हुआ है, तो उस बैग को भी मैं एक दिन सुखाऊंगी, तो उसका भी सोच रही हूँ कि उनको भी धूप दिखाऊंगी, पर वो पूरी न्यू साड़ियाँ हैं, तो पर दिखाना तो उनको भी पड़ेगा, और उस बैग को भी थोड़ा खोलना पड़ेगा, देखूंगी मैं। तो मैं इसको साफ़ करने की सोच रही थी, फिर मेरा मन नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, तो फिर मैं बंद करके सोने के लिए चली गई थी, और मैंने 1.5 घंटे तक की नींद पूरी कर ली थी। और नींद पूरी करने के बाद मम्मी सारी साड़ियों को अंदर पटक गई थी कि नीलम ये सूख गई हैं, और फिर ये क्या है कि इनको थोड़ी सी जैसे कि शाम का 6 बजे का टाइम हो जाएगा, ठंडा मौसम है तो गीली सी हो जाएंगी, तो यहाँ मैंने सोचा कि मैं साड़ियों की तह वगैरह लगाऊंगी, उससे पहले मैं चाय बना लेती हूँ। तो मैं किचन में आ गई हूँ चाय बनाने के लिए, और मैं हमेशा मतलब चाय में पानी वगैरह ऐड नहीं करती हूँ, मैं दूध की ही चाय बनाती हूँ, क्योंकि मुझे मतलब आधा कप चाय पीना होता है तो मुझे अच्छी वाली चाय ही पीना होता है, पानी की चाय मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैं किसी के घर जाती हूँ तो मुझे सच में मुझे चाय बहुत कम पसंद आती है, और जब भी मैं आप लोगों के घर आऊँ तो मुझे ऐसी ही चाय पिलाना जैसी मैं पीती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना अदरक निकाल रही हूँ, तो फ्रिज की भी क्लीनिंग मेरे को करनी है अभी, तो बस मैंने चाय जो है अदरक वगैरह कूट रही हूँ, अपनी चाय बना रही हूँ यहाँ पर, और मम्मी बैठी हुई हैं। तो ये विंडो है ना यहाँ से, तो यहाँ से मेरे घर का जो मेन डोर है ना, तो वो बिल्कुल दिखाई देता है, यहाँ पर मम्मी बैठी हैं, बच्चे वगैरह खेल रहे हैं, तो मेरे को साफ साफ दिखाई देते हैं यहाँ से सभी। तो ये बहुत अच्छा है कि कोई बाहर से आता है तो हम लोग किचन से देख लेते हैं, तो मुझे ऐसी किचन बहुत पसंद है जहाँ से बाहर का एरिया दिखता है।
और बस मैं अपनी चाय छान रही हूँ और मम्मी को मैं चाय दे आती हूँ। तो बस दो ही हैं और इनकी चाय मैंने रख दी है, ये भी अभी आने वाले ही होंगे क्योंकि 5 बज गए हैं। तो बस मैं मम्मी की चाय मम्मी को और मैं अपने रूम में अपनी चाय लेकर आ गई हूँ। मैंने कहा ये काम मैं तभी करूँगी तब थोड़ी सी शरीर में चाय से एनर्जी आ जाएगी पीने के बाद। तो बस मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देती हूँ क्योंकि ये ब्लॉग काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा और वैसे भी आप लोग है ना स्किप कर करके वीडियो देखते हो। तो फिर मैं यहीं से अपना नया ब्लॉग स्टार्ट कर लूँगी जिसमें मैं अपनी अलमारी लगाऊंगी। तो चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।